हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने परागकण की संरचना वाला टॉपिक पूरा किया था, जिसमें अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़े थे। परागकण की संरचना, एक परिपक्व परागकण की संरचना अपन ने पढ़ी थी। परिपक्व परागकण जो होता है वो दो भित्तियों से घिरी हुई संरचना होती है, जिसमें बाह्य भित्ति जो होती है उसको बाह्य चोल कहते हैं और आंतरिक भित्ति को अंतस्थ चोल कहते हैं। बाह्य भित्ति जो होती है वो स्पोरोपोलिनिन नामक रासायनिक पदार्थ के बनी होती है, जो इसको प्रतिरोधी बनाता है। स्पोरोपोलिन का कोई भी जैविक और भौतिक अपघटन नहीं होता है, जिसके कारण से परागकण जो होते हैं वो प्रतिरोधी होते हैं। और इस स्पोरोपोलिन का निर्माण टिपिटम की कोशिकाओं से होता है। अंतःचोल जो होता है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई पतली भित्ति होती है। फिर उसके बाद में अपन ने यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। पहला क्वेश्चन तो ये स्पोरोपोलिन वाला ही हो गया था। दो तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं इसके अंदर से, डिस्कस अपन कर चुके हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पोरोपोलिन बाह्य चोल का निर्माण किस रासायनिक पदार्थ से होता है, या परागकण प्रतिरोधी क्यों होते हैं, या बाह्य चोल का निर्माण परागकोश भित्ति की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, किसी भी प्रकार से आंसर वही आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको मैंने बताया था पोलन किट वाला, ऐसे परागकण जिनका परागण की क्रिया जो होती है वो कीटों के द्वारा होती है, ऐसे परागकणों में बाहरी तरफ एक तैलीय परत और पाई जाती है, यानी बाह्य भित्ति के चारों तरफ एक तैलीय चिपचिपी परत पाई जाती है, जिसे पोलन किट कहते हैं। पोलन किट का निर्माण करने वाले सभी आवश्यक घटकों का संश्लेषण जो है वो भी टिपिटम की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, अर्थात पोलन किट का निर्माण भी टिपिटम की कोशिकाओं से ही होता है। ये पोलन किट जो होता है इसका क्या कार्य होता है, चिपचिपाहट होती है, तैलीय परत होती है, तो पहला कार्य तो परागकण को कीटों के शरीर से चिपकाने में सहायक है, दूसरा कीटों को आकर्षित करने में, क्योंकि इस पोलन किट में विशेष प्रकार की गंध और विशेष प्रकार का रंग भी प्रदान होता है परागकणों को, जिसके कारण से कीट आकर्षित होते हैं, और तीसरा पोलन किट का कार्य किया था परागकणों को परावैंगनी किरणों से सुरक्षा करना। ये पोलन किट से एक अच्छा क्वेश्चन किया था अपन ने। एक किया था पराग एलर्जी, कुछ पादपों के परागकण जो होते हैं वो मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, जिसे पराग एलर्जी कहते हैं। ये कैसे होती है, टिपिटम की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित प्रोटीन जो होती है वो बाह्य चोल की गुहाएं जो होती है उनमें आकर के इकट्ठी हो जाती है, और जैसे ही परागकण वातावरण के संपर्क में आते हैं तो वातावरण की नमी के साथ में मिलकर के ये प्रोटीन जो होती है वातावरण में बाहर विसरित हो जाती है, और श्वसन के द्वारा जब मनुष्य के शरीर में जाती है तो एलर्जी और ज्वर उत्पन्न करती है, जिसे पराग एलर्जी कहते हैं। कौन से पादप थे, एग्जाम्पल कांग्रेस घास या पार्थेनियम पादप जो थे वो मनुष्य में पराग एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ये सब चीजें अपन ने पिछले वीडियो में कर लिए, जिसका एक छोटा सा रिविजन किया है। आज अपन जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। चैप्टर का नाम अपना नर और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना में परिवर्तन था। आज के टॉपिक में अपन नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन पूरा कर देंगे, यानी संरचना साथ में आई जाएगी, परिवर्तन भी हो जाएगा, फिर उसके बाद में मादा युग्मकोद्भिद को पढ़ेंगे अपन। इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें अपन पहले कर चुके हैं, वही चीजें अपन यहाँ पर डिटेल से करेंगे। देखो नर युग्मकोद्भिद, पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। अंकुरित परागकण जो होते हैं उन्हें ही अपन नर युग्मकोद्भिद कहते हैं, यानी अंकुरित परागकणों को नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। अब परागकण अंकुरित कैसे होते हैं ये अपन अभी डिस्कशन करेंगे। परागकण की संरचना से अपन को दोबारा से एक बार लेना पड़ेगा। परागकण जो होते हैं देखो, लघु बीजाणु चतुष्क से जब चारों लघु बीजाणु अलग हो जाते हैं तब इन लघु बीजाणुओं का नाम परागकण हो गया। अब पृथक हुए परागकण जो होते हैं, ये पृथक हुए परागकण अपने तेजी से अपने आकार में वृद्धि करते हैं, यानी बड़े होते हैं, क्योंकि आगे चलकर के इनको नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करना है। तो एक परिपक्व परागकण जो होता है उसकी संरचना से ही अपन इसको समझेंगे, क्योंकि तीनों चित्र इसके अंदर बनाने पड़ेंगे। ये अंतस्थोल था जो सेलुलोज और पेक्टिन को बना हुआ था, और ये खुरदरी अलंकृत भित्ति के रूप में बाह्य चोल था, जिसमें एक से तीन जगह ऐसी थी जहां पर स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं था, यानी छिद्र बने हुए थे। इनको अपन ने कहा था जनन छिद्र। इनका कार्य मैंने आपको बताया था क्या होता है, यानी इन छिद्रों से होकर के पराग नलिका बाहर निकलती है, अंकुरण में काम आती है। ये अंदर की तरफ एक केंद्रक पाया जाता है, चारों तरफ कोशिका द्रव्य है, और सभी प्रकार के कोशिकांग, ये कोशिका में पाए जाते जितने कोशिकांग पाए जाते हैं वो सभी कोशिकांग इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी परागकण एक गोलाकार एक गुणित एक केंद्रकीय एक गुणित संरचना होती है। अब ये एक परिपक्व परागकण है। अब देखो परागकण से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण जब होता है तो निर्माण के अंदर होने वाली सभी घटनाएं जो होती है उनको दो भागों में बांटा जाता है, यानी परागकण से नर युग्मकोद्भिद का जो परिवर्तन है उसकी सभी घटनाएं जो है उनमें से कुछ घटनाएं, मतलब कुछ काम जो होते हैं वो परागण की क्रिया से पहले हो जाते हैं, कुछ परागण की क्रिया के बाद में होते हैं।
परागण क्या होता है ये अपन सेकंड चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। परागण का बेसिक मीनिंग आपको मैं अभी बता देना चाहता हूं कि परागकण तो ये हो गई, और परागण किसे बोलते हैं, जब परागकण परागकोष की भित्ति टूटने से बाहर मुक्त होकर के किसी मादा पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर के गिर जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, तब इस क्रिया को परागण कहते हैं। तो कुछ काम नर युग्म को उद्भिद के परिवर्तन के कुछ काम तो जो होते हैं वो परागण की क्रिया से पहले हो जाएंगे, कुछ काम जो होते हैं वो बाद में होते हैं। अब परागण की क्रिया से पहले पहले क्या काम हो जाएगा, यानी परागकण जब तक परागकोष के अंदर ही है, अभी बाहर नहीं निकले हैं, तब इनमें क्या परिवर्तन होगा। देखो ये परागकण जब लघु बीजाणु चतुष से अलग हो गया, जब इनका नाम परागकण दे दिया, अपने आकार में बढ़ोतरी करते हैं, आकार में बड़े होते हैं, आकार में बड़े होने के बाद में इनमें क्या होता है कि इनके अंदर पाया जाने वाला जो एक केंद्रक है, अगुणित केंद्रक जो होता है, इस केंद्रक के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होगा तो क्या बन जाएंगे, एक से दो केंद्रक बन जाएंगे, यानी इस एक ही कोशिका के अंदर दो केंद्रक बन जाएंगे। यानी अगला चित्र अपन इस प्रकार से बनाते हैं, जिसके अंदर इसके केंद्रक का समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन होने से इसके अंदर दो केंद्रक बन गए हैं। दो केंद्रकों को मैं ऐसे बना रहा हूं कि एक छोटा केंद्रक बना रहा हूं, एक बड़ा केंद्रक बना रहा हूं, ये दो केंद्रक बन गए, एक केंद्रक था इससे दो केंद्रक बन गए हैं। कुछ देर पश्चात दोनों केंद्रकों के बीच में भित्ति निर्माण हो जाती है, यानी कोशिका द्रव्य भी विभाजित हो गया है, दोनों के बीच में एक भित्ति बन गई है, यानी ऐसे एक भित्ति का निर्माण हो गया, मगर भित्ति बिल्कुल सेंटर में नहीं बन करके थोड़ी एक साइड के अंदर ज्यादा स्थान लेती है, जिससे अब देखो केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो गया, चारों तरफ भित्ति बन गई है, तो कोशिका ही बन गई है, इसका मतलब अब दो कोशिकाएं बन गई है। भित्ति निर्माण होने के बाद में दो कोशिकाएं बन गई है, एक तो ये ऊपर वाली कोशिका और एक ये नीचे वाली कोशिका, एक ये कोशिका एक ये नीचे वाली कोशिका। ऊपर वाली ये जो कोशिका जो होती है, ऊपर नीचे अपन नहीं बोल सकते, परागकण तो गोल है कैसे भी घूम सकता है, मगर इस चित्र के अनुसार बता रहा हूं आपको मैं, एक तो बड़ी कोशिका बनती है, एक छोटी कोशिका बनती है। भित्ति निर्माण से पहले भी एक बड़ा केंद्रक था, एक छोटा केंद्रक था, भित्ति निर्माण होने के बाद में भी एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका। जो बड़ी कोशिका जो होती है, ये वाली बड़ी कोशिका जो है, इसको बोलते हैं कायिक कोशिका, क्या कहते हैं कायिक कोशिका, और नीचे वाली जो ये छोटी कोशिका जो होती है इसको बोलते हैं जनन कोशिका। ये पीछे भी अपन ने डिस्कशन कर लिया था। तो दो कोशिकाएं बन गई है, एक तो बन गई है कायिक कोशिका, एक बन गई है जनन कोशिका। छोटी कोशिका जनन कोशिका है, बड़ी कोशिका जो है वो कायिक कोशिका है। अब देखो शुरुआत में तो ये जनन कोशिका जो होती है, इसकी भित्ति जो होती है परागकोष की परागकण की आंतरिक भित्ति से जुड़ी हुई है, यहां पर ये जुड़ी हुई है, मगर इसके बाद में थोड़ी देर बाद में क्या हो जाता है, इस जनन कोशिका की भित्ति जो होती है ये परागकण की भित्ति से पृथक हो जाती है, और ये एक अलग कोशिका के रूप में नजर आती है। यानी ये भित्ति से यहां से अलग होकर के इसकी भित्ति अलग ही नजर आने लग गई है, इसकी भित्ति अलग हो गई है और ये कोशिका एक इस प्रकार से अलग नजर आती है, और ऊपर वाली ये कोशिका अलग हो गई है। तो इस प्रकार से परागकण जो है वो द्विकेंद्रकीय अवस्था में आ गए हैं, द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रकीय, दो कोशिकाएं भी है, दोनों के अंदर अपना अपना केंद्रक है। तो ये द्विकेंद्रकीय या द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण आ गए हैं। ये क्रिया कब हो रही है, ये क्रिया परागण से पूर्व ही हो गई है, यानी द्विकेंद्रकीय अवस्था के अंदर आ गए हैं परागकण। देखो अधिकांश पादपों में परागण जब होता है तो परागण की क्रिया में परागकण की संरचना इस द्विकेंद्रकीय अवस्था में ही रहती है, यानी परागकण जो होते हैं वो द्विकेंद्रकीय अवस्था में ही पाए जाते हैं, मगर कुछ पादपों के अंदर ये जो काम होता है ये बाद में भी होता है, वो अपवाद स्वरूप है, मगर अधिकांश पादपों की बात करते हैं तो परागण से पूर्व ही परागकण के अंदर ये दो कोशिकाएं या दो केंद्रक बन जाते हैं। अब इसके बाद में परागण की क्रिया होती है, ये परागकण जो होते हैं ये अभी तक कहां है, परागकोष के अंदर है, फिर परागकोष की भित्ति फटेगी, यानी परागकोष का स्फुटन होगा, और ये परागकण हवा के द्वारा, कीट के द्वारा, पक्षी के द्वारा, किसी भी माध्यम से मादा पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर जाकर के गिरेंगे। तो ये द्विकेंद्रकीय या द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण आ गए हैं। दोनों के अंदर, एक परागकण के अंदर दो कोशिकाएं हैं, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। दोनों में अगर अपन संरचनात्मक परिवर्तन देखते हैं तो क्या अंतर है कायिक कोशिका जनन कोशिका में, तो देखो कायिक कोशिका जो होती है वो आकार में बड़ी होती है, प्रारंभ में इसका केंद्र गोलाकार है, मगर बाद में आगे चलकर भी अनियमित आकृति का हो जाता है। और जो जनन कोशिका जो होती है, जनन कोशिका शुरुआत में तो एक छोटी कोशिका है, गोल सी है, मगर बाद में चलकर के ये जब परागकण पूरे परिपक्व हो जाएंगे तो उसके बाद में ये जनन कोशिका जो होती है, इस जनन कोशिका का आकार भी बदलता है। जनन कोशिका जो पहले गोलाकार थी, बाद में चलकर के कर्मी रूपी या तर्कु रूपी या मसूराकार हो जाती है, यानी इसकी आकृति कैसे हुई, कर्मी रूपी बोल सकते हैं अपन,
तलकुरूपी बोल सकते हैं अपन, या मसूराकार, मसूराकार कह सकते हैं। तीनों का मतलब ही क्या है, इस प्रकार से बेलनाकार संरचना जैसी कोशिका बन गई है। ये देखो मैंने इसके अंदर ऐसे ही बनाई है ऑलरेडी, इस प्रकार से पतली लंबी बेलनाकार कोशिका बन जाती है जनन कोशिका। क्यों बन जाती है, ऐसी संरचना क्यों बनती है, इसका भी फायदा है। इसका यह होना जरूरी इसलिए है कि आगे चल करके जब ये परागकण अंकुरित होंगे तो नीचे पराग नलिका बनेगी, पहले बताया था मैंने आपको, और इस जनन कोशिका को पराग नलिका के अंदर आना है। चूंकि पराग नलिका एक पतली नली रूपी संरचना है, तो उस नलिका रूपी संरचना के अंदर आसानी से इस आकृति की जनन कोशिका इजीली अंदर आ जाएगी। इसलिए इसकी संरचना जो होती है, जनन कोशिका की संरचना, वो तरकी रूपी या आकृति जो होती है वो तरकु रूपी या मसूराकार या कर्मी रूपी हो जाती है। ये दोनों में एक परिवर्तन हो गया है। दूसरी बात अपन और अंतर देखें तो काई कोशिका जो होती है उसके अंदर कोशिका द्रव्य की मात्रा ज्यादा होती है, जनन कोशिका में कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है। दोनों ही कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा समान है क्योंकि केंद्रक का विभाजन समसूत्री विभाजन हुआ था, केंद्रक विभाजन जो है समसूत्री विभाजन से हुआ था, डीएनए जितना इसमें है डीएनए उतना ही इसमें है। मगर कोशिका द्रव्य के अंदर जो आरएनए पाया जाता है ना, वो आरएनए की मात्रा जो है ना कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला आरएनए कायिक कोशिका में ज्यादा है क्योंकि ये बड़ी कोशिका है और इसके अंदर आरएनए की मात्रा कम है। कोशिका द्रव्य वाले आरएनए की बात कर रहा हूं मैं, केंद्रक में पाया जाने वाला डीएनए आरएनए दोनों में समान है। कायिक कोशिका बड़ी होती है, इसके अंदर कोशिकाओं की संख्या भी ज्यादा होती है, कोशिकांग धीरे धीरे अपनी संख्या को और अपने आकार को बढ़ोतरी निरंतर करते रहते हैं। जनन कोशिका आकार में छोटी रहती है क्योंकि इसका आगे चल करके महत्वपूर्ण काम है। अब आगे क्या होगा, इस द्विकेंद्र की अवस्था के अंदर परागकण जो होते हैं वो परागित होते हैं, यानी परागकोष से बाहर निकलते हैं और कहां पर आते हैं, मादा पुष्प या उसी पुष्प की स्त्री केशर या किसी दूसरे पादप पर लगे किसी भी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आते हैं। यानी अपन को ये कहना है कि ये परागकण परागित होकर के कहां पर स्थानांतरित होंगे, वर्तिकाग्र के ऊपर आएंगे। अब वो वर्तिकाग्र अगर द्विलिंगी पुष्प है तो उसी के अंदर भी हो सकता है, एक लिंगी पुष्प है तो उसी पादप पर लगे एक लिंगी किसी मादा पुष्प के ऊपर भी आ सकते हैं, या किसी दूसरे पादप पर लगे हुए द्विलिंगी या एक लिंगी पुष्प पर आ सकते हैं। वो परागण के अंदर पढ़ेंगे अपन की किस किस प्रकार के पुष्प होते हैं, मतलब परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना परागण कहलाता है। तो इस अवस्था के अंदर परागकण जो होते हैं अधिकांश पादपों में परागित होते हैं। परागित होने के बाद में क्या होता है, आगे चलकर की ये परागकण जो होते हैं वर्तिकाग्र के ऊपर आकर के जाके गिर जाएंगे, तो वर्तिकाग्र से ये पोषक पदार्थों को अवशोषित करेंगे। पोषक पदार्थ अवशोषित करेंगे तो क्या होगा, परागकणों में अंकुरण होगा। अंकुरण कैसे होगा, इसकी संरचना कैसी बन जाएगी, तो इसके बाद वाला जो डायग्राम है वो इस प्रकार से बनेगा। चारों तरफ ये एग्जाइट है, कहां से अंकुरण हुआ, देखो दो तीन बातें। अंकुरण की क्रिया में परागकण की आंतरिक भित्ति यानी जो अंतश्चोल जो होती है वो इन तीनों जनन छिद्रों में से किसी भी एक जनन छिद्र से होते हुए बाहर निकल करके फूल करके और एक नलिका रूपी संरचना का निर्माण कर देती है। यानी यहां पर ये जनन छिद्र मान लिया अपने, तो इधर से अपन कर सकते हैं ऐसे, यानी अंदर वाली जो भित्ति ना आंतरिक अंतश्चोल जो होता है वो फूल करके एक नलिका रूपी संरचना में ऐसे बाहर निकल गया है। और ये नलिका रूपी संरचना जो होती है इसको पराग नलिका कहते हैं, यानी अंकुरण के पश्चात पराग नलिका बन गई है। अब उसके बाद में इसके भीतर पाए जाने वाली दोनों कोशिकाओं का क्या भविष्य है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका का क्या भविष्य है। देखो बहुत सारे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस पराग नलिका का निर्माण करने के अंदर कायिक कोशिका का योगदान होता है, यानी कायिक कोशिका का कार्य तो पराग नलिका का निर्माण में होता है, मानते हैं, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है। अब जनन कोशिका इंपोर्टेंट काम जनन कोशिका है। अब ये क्या होता है कि इसके अंदर तो केवल कायिक कोशिका का कुछ मात्रा कोशिका द्रव्य की बची है, जनन कोशिका जो होती है ना ये जनन कोशिका तरकु रूपी संरचना है। ये पूरी की पूरी जनन कोशिका जो होती है पराग नलिका के अंदर आ जाती है। जनन कोशिका किसमें आ गई है, पराग नलिका के अंदर आ गई है, यहां पर आ गई है। अब यहां पर आने के बाद में इस जनन कोशिका से नर युग्मकों का निर्माण होगा, दो नर युग्मक बनेंगे। पराग नलिका जो है वो यहां पर अंदर आ गई है, यानी इस पराग नलिका को मैं एक बार दिखा रहा हूं आपको कि ये अंदर आ गई है, इसमें एक केंद्रक है, जनन कोशिका के पराग नलिका के अंदर आ गई है। कायिक कोशिका का केंद्रक जो होता है वो भी इसके अंदर आता है, मगर वो आता तो है मगर बाद में अपघटित हो जाता है, यानी आगे चलकर के नष्ट हो जाता है, इसका कोई आगे भविष्य नहीं है। जनन कोशिका पूरी की पूरी ही किसमें आ गई है,
पराग नलिका के अंदर आ गई है। पराग नलिका के अंदर आने के बाद में क्या होता है, इस जनन कोशिका में फिर से एक समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री होते ही आपको यह समझ लेना है कि एक है ना उससे दो बन जाएगी, बिल्कुल समान उसके जैसे ही दो बन जाएगी। तो इसमें समसूत्री विभाजन होते ही इसके अंदर क्या हो जाएगा, दो कोशिकाएं बन जाएगी, वही एगुणित, क्योंकि जनन कोशिका एगुणित तो है, तो दो एगुणित कोशिकाएं बन जाएगी। और ये दो जो एगुणित कोशिकाएं बनेगी ना, इन दोनों एगुणित कोशिकाओं को दो नर युग्मक कहते हैं, यानी पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मक बन गए हैं। अच्छा क्वेश्चन, नर युग्मकों का निर्माण कौन सी कोशिका से हुआ है, जनन कोशिका से हुआ है, तभी जनन कोशिका बोला है इसको, कि जनन की क्रिया में नर युग्मक चाहिए, नर युग्मक का निर्माण इस कोशिका से होता है, इसलिए इसको जनन कोशिका कहा है। जनन कोशिका यहां पर आई और समसूत्री विभाजन से दो बन गई है, अब इन दोनों को नर युग्मक कह दिया। तो ये कायिक कोशिका इसके केंद्र का क्या भविष्य है, कायिक कोशिका केंद्र भी पराग नलिका के अंदर आया है पराग नलिका के अंदर, मगर आगे चलकर ये अपभाषित हो गया है, नष्ट हो गया है, यानी इसका कोई रोल नहीं है, ये खत्म हो चुका है। इस प्रकार से पराग कण अंकुरित हो गए हैं, अंकुरित पराग कण के अंदर पराग नलिका बन गई है। ये पराग नलिका कहां पर बनती है, पराग नलिका कहां बनती है, देखो एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताई थी, स्त्री केसर जो होता है अंडप या स्त्री केसर, उसकी संरचना इस प्रकार से बनाई थी अपन ने, जिसमें तीन भाग किए थे अपन ने, ऊपर वाला भाग ये वृत्तिकाग्र, ये पतली संरचना वृत्तिका, और नीचे अंडाशय, ये तीन भाग मिलकर के किसका निर्माण करे थे, एक अंडप का। ये परागकण इस द्विकेंद्र की अवस्था के अंदर कहां पर आते हैं, इस वृत्तिकाग्र के ऊपर आते हैं, यहां पर दो अंदर कोशिकाएं हैं और ये है। अब यहां से कोशिक पदार्थ अवशोषित करेंगे और फूल करके फिर यहां से पराग नलिका बनेगी। तो ये पराग नलिका की वृद्धि किस दिशा में हो रही है, वृत्तिका के अंदर, वृत्तिका के अंदर से वृद्धि होती है, कहां पर जा रही है, ये वृत्तिका से होती हुई अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड, तो अंदर ये वृत्तिका से होती हुई बीजांड के अंदर चली जाएगी। ये पराग नलिका जो होती है ये वृत्तिका से होती हुई बीजांड की ओर वृद्धि करती है, और अंदर पाए जाने वाले दोनों नर युग्मक जो होता है, ये नर युग्मक भी इसमें से आगे खिसकते खिसकते बीजांड में जाएंगे, और बीजांड में जाने के बाद में निषेचन की क्रिया होगी, जो अपन अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये देखना है कि नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कहां पर हो रहा है, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण मादा जनन अंग यानी स्त्री केसर पर हो रहा है, स्त्री केसर आने के बाद में अंकुरित होते हैं और ये पराग नलिका बनती है। तो इस प्रकार से अंकुरित परागकण जो है इसी को ही नर युग्मकोद्भिद कहा है, इससे ही नर युग्मकोद्भिद कहा है, ध्यान रखना है आपको, ये नर युग्मकोद्भिद है। तो ये अंकुरित परागकण जो है इसको अपने नर युग्मकोद्भिद कहा है। अब देखो यहां पर एक अपने बुक के अंदर एक छोटे से अपवाद स्वरूप एक बात और लिखी हुई है कि ये काम जनन कोशिका बनी, जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन कहां हुआ, इस चित्र के अनुसार जनन कोशिका पराग नलिका में आई, जनन कोशिका के अंदर फिर समसूत्री विभाजन पराग नलिका में हुआ, मगर कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें जिनके पराग कणों में जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन भी परागण की क्रिया के तुरंत पश्चात हो जाता है, यानी पराग नलिका बनने से पहले हो जाता है, यानी अंकुरण से पहले हो जाता है। जब यहां पर आएंगे ना वृत्तिकाग्र की पराग के गिरे, ये जनन कोशिका है, तो इस जनन कोशिका के अंदर होने वाला विभाजन जो है ना, यानी दो नर युग्मक जो है ना वो पहले से यहां पर बन जाएंगे, दोनों नर युग्मक परागकण के अंदर ही बन गए हैं। अब पराग नलिका जो बनेगी तब दोनों के दोनों नर युग्मक परागकण के पराग नलिका के अंदर आ जाएंगे, मगर ये अपवाद स्वरूप कुछ पादपों में होता है। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन परागण के तुरंत पश्चात अर्थात परागकणों के अंकुरण से पहले भी हो जाता है। ये किस में होता है, एग्जाम्पल है इसके अंदर कुल्फा, पादप का नाम है कुल्फा, और एक बंदरबाटी। कुल्फा और बंदरबाटी के अंदर तो अपवाद स्वरूप जनन कोशिका में सूत्री विभाजन जो होता है वो परागण की क्रिया के तुरंत पश्चात अर्थात परागकणों के अंकुरण से पहले हो जाता है, जबकि अधिकांश पादपों में जनन कोशिका का सूत्री विभाजन कहां पर होता है, पराग नलिका के अंदर होता है, अर्थात परागकणों के अंकुरण के पश्चात होता है। यह आपको और ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से एक परागकण से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, जिसमें ये तीन चित्र आपको नोट्स के अंदर भी बनाने हैं और इस प्रकार से मैंने आपको समझाया है। ये चीजें अपन पहले भी कर चुके हैं, पहले बताई थी मैंने आपको, उस टाइम पर ये भी बताया था कि आगे फिर से आएगी ये, तो अब ये डिटेल के अंदर हो चुका है।
अब ये इस चैप्टर के अंदर जो अपनी स्टार्टिंग की थी नर और मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन व संरचना, ये नर वाला काम पूरा खत्म हो चुका है, जिसमें अपनी शुरुआत से क्या क्या पढ़ा था, लघु बीजाणु धानी के बारे में पढ़ा था, लघु बीजाणु के बारे में पढ़ा था, लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ा था, चतुष के बारे में पढ़ा था, फिर परागकण के बारे में पढ़ा था, परागकण की संरचना पढ़ी थी, अब इस परागकण से आगे चल करके नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे हुआ है, यहां तक अपना नर वाला काम पूरा होता है। अगले वीडियो में अपन मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उसका परिवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में इनमें निश्चय होगा ये दोनों नर युग्मक जो बने हैं ना आगे इनका काम होगा, आगे ये काम आएंगे, ये दोनों नर युग्मक जो होते हैं आगे चल करके निश्चय की क्रिया करेंगे। मनुष्य के अंदर निश्चय होता है तो एक ही नर युग्मक होता है, शुक्राणु निश्चय की क्रिया में एक ही काम में आता है, मगर यहाँ पर दोनों नर युग्मक निश्चय में काम में आएंगे, इसलिए आवर्तबीजी पादपों में दो बार निषेचन होता है, द्विनिषेचन बोलते हैं, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे चल करके आएगा, दोनों नर युग्मक निषेचन करेंगे, यहाँ पर दोनों नर युग्मक निषेचन की क्रिया में भाग लेंगे, द्विनिषेचन इसी को ही बोलते हैं अपन, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज वाला टॉपिक अपना पूरा होता है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जिसमें अपन मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।